खबर अमेरिका ने जिले से जहां पेट्रोल डीजल और गैस बढ़ते दामों के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट अकबरपुर पहुंचकर प्रदर्शन किया। भारी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट तक जाने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को वहीं रोक दिया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमित वर्मा ने कहा, जनता पार्टी ने 2014 के पूर्व हमेशा विदेशी निवेश का विरोध किया है, लेकिन जब से केंद्र में उनकी सरकार बनी है उन्होंने विदेशी निवेश को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है। पहले रेलवे में, उसके बाद एयरपोर्ट और बीमा क्षेत्र में 74% विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। डिजिटल की बात करने वाली सरकार ने मोबाइल के दाम बढ़ा दिए हैं। इसी के साथ कहा है कि 8 करोड़ गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क दिए जाएंगे, जबकि दूसरी ओर आज गैस के दाम 754 रुपए प्रति सिलेंडर हो चुके हैं। खाने का तेल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ने से आज लोगों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमित वर्मा प्रवक्ता ने लोकसभा में पेश बजट को जन आकांक्षा के विपरीत बताया। बजट में इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है। 75 वर्ष की उम्र में से अधिक के लोगों को राहत प्रदान की गई है, जिसका कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। आम बजट के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि इससे देश के सामान्य वर्ग व गरीब तबके को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि महंगाई और बढ़ेगी। इस दौरान जिलाध्यक्ष समेत सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर जनपद से मोहम्मद इसराइल की रिपोर्ट। हमारा मकसद क्या है? हम तो किसान हैं, पहले तो हम किसान के बेटे हैं, हमारे पास भी जमीन है, नेता तो हम बाद में हैं। आज अम्बेडकर नगर की ये जो जनता उमड़ पड़ी है, निकल पड़ी है, विश्वास रखिए कहीं ना कहीं ये बिल, काला कानून बिल के खिलाफ निकली है। जिस तरीके से हमारे किसान भाई 90 दिन से ऊपर बैठे हैं, 120 किसान शहीद हो गए हैं, ये सरकार सुध नहीं ले रही है, ये पूरे लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और कहीं ना कहीं सरकार पैसे के बल पे गिरा रही है कांग्रेसियों का। कहीं ना कहीं से ये सरकार उद्योगपतियों के साथ मिलके इस पेट्रोल डीजल गैस सब पे दाम बढ़ा के और सारे नेताओं को तोड़ रही है। इस जनता को मैं यही अपील करना चाहता हूँ, सारे जनों को, ये ऐसे बिकाऊ नेताओं को वोट न दें। ये अगर दिख के चले गए हैं तो इनको दोबारा मौका ना मिले, और हमारे किसान भाइयों को जो हमारे सभी कांग्रेसी जन उत्साह बढ़ाने के लिए आए, किसान के समर्थन में आए, मैं इन सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आप मीडिया साथियों का भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग हम लोगों का बहुत सहयोग किए, यहाँ का प्रशासन बहुत सहयोग किया, लेकिन बदमाशी तो जरूर किए लोग। हम लोगों को इन्होंने आदेश किया था, उसके बाद इन्होंने हमारा कैंसिल कर दिया ये पग यात्रा। लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे नौजवान भाई हैं, हमारे जो हमारे कांग्रेसी जन हैं, पूरे ऊर्जा से लबरेज हैं, जो आज हम पैदल यात्रा निकाले। पग यात्रा के आदेश देने के बाद कैंसिल कर दिया, जबरदस्ती आए, रोक दिया गया। हमारा ये धरना, हमारा ये कार्यक्रम इन्होंने प्रशासन के दबाव में कैंसिल कर दिया है। और हम लोगों को किसान पंचायत अभी जो निकाली थी हम लोगों ने हर ब्लॉकों पे, हम लोग को गिरफ्तार किया गया जलालपुर में। यहाँ ये सरकार कहीं ना कहीं से किसानों के बीच में हम लोग को नहीं जाने देना चाहती। कांग्रेसी जन को हम कहते हैं, अगर हम चोर हैं तो हमको बंद करो ना भाई, आप कहाँ थे अब तक? मैं यही कहूँगा कि जनता आप समझ चुकी है, जान चुकी है, आप कर्मचारियों को नौकर बना दिए हो, आप किसान को जो है रोड पे लाना चाहती हो, मजदूर तो कोरोना में मर रहा है, व्यापारी की दुकान तक नहीं चली, आज वो भी तरफ रहा कोई सामान खरीदने आ जाए। बस मैं ही कहना चाहूँगा साथियों।